हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर अयूबी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अक्सर एक सवाल क्रिस्टल कंडोम खरीदने वालों के मन में होता है कि मुझे कौन से वाला क्रिस्टल कंडोम खरीदना चाहिए जिसका होल बिल्कुल सर्कुलर हो और जिसमें कोई रिंग ना हो, या फिर मुझे ऐसा क्रिस्टल कंडोम खरीदना चाहिए जिसमें अलग से टेस्टिकल्स के लिए रिंग दी गई हो। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ खरीदने बाजार में जाते हैं तो मन में सवाल तो आते हैं और हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम आखिर में फाइनल करते हैं कि हमें कौन सा आइटम लेना है। चाहे आप फ्रिज खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, ये बात हर किसी और हर आइटम पर लागू होती है। तो सेम बात क्रिस्टल कंडोम पर भी लागू होती है कि बिना टेस्टिकल की रिंग वाला क्रिस्टल कंडोम खरीदना चाहिए या फिर रिंग वाला क्रिस्टल कंडोम खरीदना चाहिए। यहां पर आप दो क्रिस्टल कंडोम देख रहे हैं। इस वाले में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एंट्री के लिए ये सर्कुलर एंट्री बनाई गई है, लेकिन यहां पर कोई होल अलग से रिंग के रूप में टेस्टिकल्स के लिए नहीं है। उसका फायदा यह है, या फिर मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगा जो अपने लिंग पर इसको फोल्ड करके पहनना चाहते हैं, यानी अगर रिंग ना हो तो इसको फोल्ड करके पहनने में आसानी होती है। अब फोल्ड करके पहनने की जरूरत क्या है, देखिए इसके दो फायदे हैं। एक तो आपका लिंग का साइज कुछ भी हो, आप फोल्ड करके उसको अपने लिंग के साइज पर वहीं से बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जैसे जैसे आप इसको फोल्ड करते जाते हैं, इसकी जो ग्रिप है वो आपके लिंग पर मजबूत होती जाती है। तो ये फायदा है कि बिना टेस्टिकल की रिंग वाले क्रिस्टल कंडोम का आप उसे फोल्ड करके इजीली अपने लिंग पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं रिंग वाले क्रिस्टल कंडोम को फोल्ड करना चाहूं तो ये ना तो कन्वीनियंट है और ना मैं आपको इसकी सलाह दूंगा। यानी कुल मिलाकर अगर आपके लिंग का साइज छोटा है और उस पर आप इस तरह का कंडोम यूज करना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप बिना रिंग वाला क्रिस्टल कंडोम खरीदिए जो आपके लिंग पर इजीली एडजस्ट हो जाए। परंतु डाउनसाइड भी सुन लीजिए, अगर आपके क्रिस्टल कंडोम में रिंग है, टेस्टिकल वाली रिंग है, तो टेस्टिकल को इसमें से निकालने में ऐसे आप निकालेंगे और ये इसमें चले गए तो ये एक जॉकी की तरह आपके लिंग पर फिट हो जाएगा, यानी आपके लिंग को इस तरह से ग्रिप बना लेगा। उसके बाद अगर आपका लिंग थोड़ा बहुत ढीला भी है तो ये आपके लिंग पर से नहीं उतरेगा। परंतु इस वाले कंडोम में जिसमें रिंग नहीं है, इसके संभोग की क्रिया के दौरान लिंग पर से उतरने का खतरा काफी ज्यादा रहता है, मतलब प्रॉब्लम रहती है। यहां पर मैं इसलिए सलाह देता हूं कि अगर आप अलग से एक रिंग इसके साथ यूज कर लें तो बेहतर है। हालांकि इसकी जो सर्कुलर जो रिंग है, यहां से आप देख रहे हैं एंट्री वाली रिंग है, ये एकदम लेटेक्स कंडोम वाली ग्रिप देती है, लेकिन कुछ लोगों का लिंग ढीला रहता है और उस कंडीशन में ये संभोग की क्रिया के दौरान लिंग पर से फिसल जाता है। तो अब आप समझ गए। एक तीसरा पॉइंट वो ये है कि इस कंडोम में जिसमें रिंग दी होती है, टेस्टिकल को टेस्टिकल वाली रिंग से पास करने में कई बार काफी असुविधा होती है और इस खींचतान में फट भी जाता है। खासतौर से जिनके टेस्टिकल्स बड़े होते हैं उनकी साथ काफी दिक्कत कई बार देखने को मिलती है। अब मैं इसका सारांश कर देता हूं, समरी कर देता हूं कि किस कंडीशन में कौन सा खरीदें। दोस्तों, अगर आपका लिंग एकदम से तना हुआ है पूरी तरह से, उसमें कोई ढीलापन नहीं है और आप एकदम कन्वीनियंट संभोग चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए बिना रिंग वाला थोड़ा सा बेहतर है। अगर आपके लिंग में थोड़ा बहुत ढीलापन रहता है और आपके टेस्टिकल का साइज जो है वो ज्यादा है, या फिर आप अपने लिंग पर ग्रिप अच्छे से बनाकर रखना चाहते हैं, तो आपके लिए टेस्टिकल की रिंग वाला क्रिस्टल कंडोम ज्यादा बेहतर है। दोनों ही तरह के क्रिस्टल कंडोम हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास इनकी एक पूरी रेंज अवेलेबल है। आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा आपको खरीदना है, इसके लिए हमारी टीम भी आपको गाइड कर सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काम की रही होगी, ज्ञानवर्धक रही होगी। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।